नमस्ते, मैं हूँ शर्मिष्ठा। परिपूर्ण आहार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिखाने वाली हूँ वेजिटेबल बिरयानी। ये बिरयानी बहुत आसानी से बनती है और इसका स्वाद एकदम बेहतरीन बनता है। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिया है, जो अक्का बासमती चावल आता है जिससे खुला चावल बनता है, वही चावल मैंने यूज किया हुआ है। इसे मैंने चावल पका के लिया हुआ है। ये चावल हम कैसा बनाएंगे, जितना कटोरी हम चावल लेंगे उतना ही उसमें पानी डालेंगे। मीन्स एक कटोरी अगर हमने चावल लिया है तो उसमें पकाते वक्त हम सिर्फ एक कटोरी पानी यूज करेंगे। और ये चावल बनाने के पहले एक घंटा हमको उसको पहले अच्छी तरह से धो के रखना है। धो के रखने के बाद ही उसको हम, अगर हमने एक बाउल चावल लिया है तो उसमें एक कटोरी पानी डाल के मैंने इसको ऐसे बना के लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने दो कटोरी चावल पका के लिया हुआ है और ऐसा जो खुला चावल बनता है वही हम बनाएं। इसमें मैं वेजिटेबल्स यूज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज कट करके लिया हुआ है, थोड़ा सा पुदीना लिया हुआ है, पुदीना अगर आपको पसंद है तो आप यूज करें, एक टमाटर लिया हुआ है और ये धनिया लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं जो पेपिलॉन का बिरयानी का, बासमती बिरयानी का जो इसेंस है वो उसमें यूज करने वाली हूँ। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी खरीद सकते हैं और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए लिंक भी भेजने वाली हूँ, तो आप इसको अगर चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो वेजिटेबल्स यूज किए हैं उसमें फ्लावर है, बीन्स है, गाजर के टुकड़े है, ग्रीन पीस है, मटर है, तो और कैप्सिकम है। और इसको मैंने हाफ बॉईल करके लिया हुआ है, माइक्रोवेव मैंने 10 मिनट में उसको स्टीम करके लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली, अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है, थोड़े से काजू मैं यहाँ पे इसमें यूज करने वाली। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी 100 ग्राम पनीर लिया हुआ है, पनीर के छोटे छोटे ऐसे क्यूब्स कट करके लिए हुए हैं। अगर आप चाहिए तो इसमें पनीर यूज कर सकते हैं। और सब्जियाँ भी अगर आप आपके अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं, मशरूम भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने रेडीमेड जो बिरयानी का मसाला आता है वेजिटेबल बिरयानी का, वो लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे सुहाना का मसाला जो आता है वो यूज किया हुआ है, और 3 बड़े चम्मच मैंने उसका मसाला लिया है, और उसमें 3 टेबलस्पून कर्ड ऐसा पेस्ट बनाया है कर्ड और मसाले का। और ये जो मैंने लाल मिर्च पाउडर है ये यूज करने वाली हूँ, ये सिर्फ कलर वाली है, बिल्कुल तीखी नहीं है, तो ये मैं कलर के लिए यूज करूंगी। हल्दी, स्वाद के लिए हींग, स्वाद अनुसार नमक, और हम ऑयल और तड़के के लिए थोड़ा राई यूज करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने थिक बॉटम वाला कढ़ाई लिया हुआ है बिरयानी बनाने के लिए। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है, 3 स्पून्स ऑयल डाला हुआ है मैंने, और यहाँ पे हम राई ऐड करेंगे। इसका हम अच्छा तड़का लगाएंगे। अभी हम इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा हींग, और अभी हम इसमें प्याज डालेंगे। आपको अगर अच्छा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें और ज़्यादा ऑनियन प्याज डाल सकते हैं। ये थोड़ा सौते करके लेंगे इसको अच्छे से। ये बहुत ही आसान तरीका है बिरयानी बनाने का और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया बनता है। अभी प्याज को हम ऐसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से सौते करके लेंगे इसको। इसमें
थोड़ा सा ग्रीन चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद है उसके अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। एक मिनट तक इसको ऐसे अच्छे से हम सौते करेंगे ग्रीन चिली को भी। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे। ये भी अच्छी तरह से हम एक मिनट तक ऐसे सौते करके लेंगे। इसको भी टमाटर प्याज और ग्रीन चिली का पेस्ट जो हमने बनाया हुआ था लहसुन अदरक का, इसको अच्छी तरह से एक मिनट तक हमको सौते करके लेना है। इसमें थोड़ा पुदीना लीव्स है जो मैंने बारीक कट करके लिया हुआ है वो डाल रही हूँ। अगर आपको पुदीना का स्वाद पसंद नहीं है तो नहीं यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पुदीना का टेस्ट बेहद अच्छा आता है। ये भी मिक्स करके लेंगे। अभी हम इसमें जो सारी सब्जियां मैंने थोड़ा हाफ बॉईल करके लिया था तो उसमें उसको ऐड कर रही हूँ। ये हम सब अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे इसको। हमने अच्छी तरह से मिक्स करके लिया है। अभी हम इसमें जो पनीर के जो क्यूब्स कट करके रखे थे वो डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। अभी जो रेड चिली पाउडर है, ये कलर वाला है, वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये बिल्कुल तीखा नहीं है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी यूज़ किया हुआ है, तो ये सिर्फ मैं कलर वाला यूज़ कर रही हूँ। और अभी ये जो मसाले का पेस्ट हमने बना के रखा था वो यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने कर्ड में अच्छी तरह से मिक्स करके लिया था, इसको पेस्ट बनाया था वो डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच वो मसाला लिया हुआ था और इसको 3 टेबलस्पून कर्ड यूज़ किया था। ये पूरा अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे हम। अभी हम इसमें जो हमने चावल बना के लिया हुआ था तो वो डाल रही हूँ। अभी ये पूरा अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे हम। ये हल्के हाथ से हमको करना है। अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और ये जो मैंने काजू थोड़ा कट करके रखा था वो भी थोड़ा डाल रहे हूँ। अगर आप इसको तड़के में यूज करना चाहते हैं तो तड़के में भी काजू आप डाल सकते हैं। अभी जो हमने नमक डाला था वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके लिया हुआ है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। और अभी जो मैंने आपको बताया वो पेपिलॉन का बिरयानी का जो इसेंस है वो अभी मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। हार्डली इसमें 2 ड्रॉप ही हमको डालना है, एकदम थोड़ा लगता है लेकिन इसका जो फ्लेवर है एकदम बढ़िया बनता है। ये देखिए सिर्फ इतना सा मैंने ये यूज किया हुआ है, वो हम इसको ऐसा ऊपर से थोड़ा सा डाल रहे हैं तो एकदम इसका हॉट रेस्टोरेंट जैसा इसका फ्लेवर आता है बिरयानी के लिए। तो अभी सब अच्छी तरह से हम ये मिक्स करके ले रहे हैं।
जो मैंने यहाँ पे इसेंस यूज़ किया है पेपिलॉन का, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रही हूँ। आप उसे अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें गरम मसाले का भी इसेंस है, दम बिरयानी का भी इसेंस है, बहुत सारे फ्लेवर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारी ये वेजिटेबल बिरयानी अभी रेडी हो गई है। मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। इस तरह से हमारी वेजिटेबल बिरयानी तैयार हो गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली है। अभी ठंडी के सीज़न चालू है, सभी मार्केट में सभी वेजिटेबल्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप ये रेसिपी अवश्य ट्राई कीजिए और आपका अभिप्राय मुझे ज़रूर बताइए। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे अवश्य बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।